दुनिया भर के जानकार चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि कोरोना को हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी ही होगी, लेकिन हिंदुस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। जी हां, यहां देखिए भीड़ ने इस कदर गदर मचा रखा है, चाहे बाजार हो, चौराहे हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, अस्पताल हो, ऐसे में लग रहा है जैसे कोरोना का पांव पसारने का न्योता दिया जा रहा है। शहरों बाजारों में भी धार्मिक कार्यक्रमों में भी ऑक्सीजन प्लांट के बाहर भी वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ अस्पतालों के बाहर भी है। अस्पतालों के अंदर भी ये भीड़ भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। जैसे पूरा देश भीषण भीड़ में तब्दील हो गया है, जहां देखिए भीड़ दिखेगी, ऐसी भीड़ जो कोरोना विस्फोट का बारूद बन सकती है, ज्वालामुखी बनकर देश को स्वाहा कर सकती है। लेकिन इस भीड़ की तरफ किसी की निगाह नहीं, किसी को फिक्र नहीं, बेचैनी चिंता नहीं। हम इस समय चार मीनार पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे लोग यहाँ पर चार मीनार पर खरीदारी के लिए इकट्ठा हुए हैं। अभी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं दुकान सज चुकी हैं और इंतज़ार है अब जैसे जैसे शाम होगी और भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी। लेकिन इस भीड़ और इस गैदरिंग के ऊपर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जो हैदराबाद शहर है, देश के अन्य राज्यों की तरह तेलंगाना और हैदराबाद शहर भी कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहा है। यहाँ भी हज़ारों की संख्या में डेली नए केसेस आ रहे हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो आज भी 6,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए, 80,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं स्टेट में, राज्य में। और ऐसे में आप देख सकते हैं ये पूरा बाजार जो है ये सज चुका है और यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी नदारद है। इस भीड़ को देखिए, ईद की खरीदारी हो रही है, कोरोना ने पांव के नीचे की जमीन खिसका दी है, जिंदगी बचना मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ कोई खबरदार नहीं, कोई सावधान नहीं, जश्न के आगे जान की कोई परवाह नहीं। और फिर जलाभिषेक के नाम पर इस जानलेवा जुलूस को क्या कहेंगे। गुजरात के सानंद की तस्वीरों को जिसने भी देखा सकते में आ गया। चौखट के भीतर रहने की चुनौती वाले इस दौर में आस्था के नाम पर आग से खेलने की कोशिश हुई। तो हर तरफ रूह को हिला देने वाली भीड़ के नजारे दिखते हैं। कहीं लापरवाही से भरी भीड़, तो कहीं मजबूरी में भीड़ खड़ी हो रही है। अब जब संकट सांसों पर आ जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का सबक कहां याद रह जाता है। इस ऑक्सीजन प्लांट के बाहर की भीड़ कुछ ऐसी ही है। भीड़ तो यहाँ भी है, टीके लगाने की बेसब्री इन्हें यहाँ खींच लाई है। दिल डरा है, हिम्मत हिलने लगी है। हर किसी को टीके का कवच चाहिए और टीके की मारा मारी वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ बढ़ा रही है। लेकिन इसमें इनका क्या दोष, जब इतने बड़े मुल्क में टीके की जरूरत का आकलन ही नहीं हुआ, टीके का इंतजाम ही नहीं हुआ। और ऐसी ही मजबूरी और लाचारी अस्पताल के अंदर और बाहर भीड़ बढ़ा रही है। ये भीड़ नहीं, हिंदुस्तान के हुक्मरानों की ललाट पर लगा धब्बा है। आज तक के रोकी